तो हाँ गाइस, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं सुरेश एडिटिंग जूम चैनल। तो चलिए गाइस, आज की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, मैंने लाइट रूम को ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए ऑल फोटोज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। एंड गाइस, ये जो हमारा मॉडल है हम इसे ओपन कर लेंगे। गाइस, मैंने मॉडल के फेस को पहले से ही स्मूथ करके रखा हूँ। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे लाइट वाले टूल में, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड यहाँ से इसको ऑटो में रख लूँगा गाइस, इस तरीके से। एंड गाइस, हमें जाना होगा यहाँ पर, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। एंड गाइस, हमें यहाँ पर एक बार टाइप करना है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसमें। और इसको जो गाइस मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा, देख लेना आप। तो इसको मैं इतना रख लेता हूँ गाइस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से कर लूँगा डन। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा इस कलर वाला टूल में, तो यहाँ से मैं चल जाता हूँ एंड मिक्स टूल। और मिक्स टूल में आ जाने के बाद दूसरे वाले आइकन में आना है, एंड इसमें हमें लिमिटस को बढ़ा लेना है गाइस इतना। एंड सजेशन थोड़ा सा कर लेना है माइनस, तो इतना कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, हमें जाना होगा येलो कलर वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चल जाता हूँ एंड सेचुरेशन को फुल माइनस कर लूँगा और लिमिटस को थोड़ा सा। उसके बाद ग्रीन कलर वाले आइकन माना है गाइस हमें, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ। इसमें गाइस हमें सेचुरेशन को फुल माइनस और लिमिनस को भी थोड़ा सा माइनस करना है। और एक्वा कलर वाले आइकन माना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे गाइस। उसके बाद हम जाना होगा ब्लू कलर वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड इसमें हम सेचुरेशन को माइनस कर लेंगे इतना। एंड लिमिनस को भी थोड़ा सा माइनस कर लेंगे इतना, तो यहाँ से कर लूँगा डन। उसके बाद हमें जाना होगा इफेक्ट वाले टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड क्लियरिटी को बढ़ा लूँगा एंड डी एच को और विगनेट को माइनस करूँगा इसमें। और मिड पॉइंट को माइनस करूँगा इतना, और विगनेट को थोड़ा सा और, तो इतना माइनस कर लेता हूँ गाइस। उसके बाद हमें जाना होगा इस ट्राइंगल वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड शार्पिंग दे दूँगा इसमें। एंड मास्किंग को भी बढ़ाऊँगा इस और नॉइस रिडक्शन को। और हमें जाना होगा इस वाले आइकन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड इसको हमें ऑन कर लेना, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, हमारे पिक एडिटिंग होने के बाद कितना औसम दिख रहा है गाइस। तो गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा इस थ्री डॉट पे, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस यहाँ पे लिखा है सेव टू डिवाइस, सेव टू डिवाइस कर लेता हूँ एंड यहाँ से ओके। गाइस, मैंने पिक्सआर्ट को ओपन कर लिया हूँ, तो चलिए चलते हैं ऐड फोटो में और पीएनजी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं ऐड फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ एंड गाइस, ये जो हमारा पीएनजी गाइस, ये ऐड जो है, चलिए हम इसे एडजस्ट करते हैं इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा गाइस, लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से मैं राइट कर लूँगा गाइस इसको। तो देखिए गाइस, हमारे पिक एडिट होने के बाद कितना ऑप्शन दिख रहा है गाइस, कितना क्रिएटिव एडिट है गाइस। तो चलिए गाइस, इस पिक को सेव करने के लिए हमें जाना होगा इस ड्रॉ टूल में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, ड्रॉ टूल में आ जाने के बाद हमें जाना होगा इस थ्री डॉट पर, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ एंड गाइस, यहाँ पर लिखा है सेव इमेज, तो सेव इमेज कर लेता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।